हे गाइस, दिस इज अर्पण गोयल। वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग वीडियो। तो आज से हम करने वाले हैं 75 डेज साइकिलिंग चैलेंज। ओके, तो आज से हम हमारा ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं। और बीच में ब्लॉग नहीं डाल रहा था, मुझे लगा मेरा ब्लॉग शेड्यूल है, बट वो ब्लॉग प्राइवेट था। तो ब्लॉग भी आ गया होगा लगभग, सांची वाला ब्लॉग, जो कि अपलोड होने के बाद ही शायद ये ब्लॉग आएगा, क्योंकि उसमें वॉइस ओवर करना था। स्टार्टिंग में समझ आ नहीं रहा था। जस्ट अ सेकंड, अलार्म बज रहा है। तो अलार्म ऑफ हमने कर दिया है और अभी हम चलते हैं साइकिलिंग करने। जल्दी से हमारी साइकिल निकालते बाहर और हम उतनी साइकिल चलाएंगे जितना हमसे वापस लाना हो जाएंगे, उतना ही जितना वापस आ सके। ठीक है, तो स्टार्टिंग है, तो देखते हैं। साइकिल बहुत टाइम बाद चला रहा हूँ, कल मैंने ट्राई किया था, मेरे थाइस पूरे भरा गए और बहुत दर्द हो रहा है, पैर फोल्ड करना नहीं हो रहा। बट आज से हम फिर करेंगे ये फेस वॉश किया, तो पानी छोड़ो, लेट्स गो फॉर साइकिल राइड। मुझे सचमुच लगा कि ठंड नहीं होगी बाहर, क्योंकि मैं आज लेट उठा हूँ। वैसे तो डेली उठता था, जाता था ग्राउंड्स वर्कआउट करने, बट पता चला भाई ठंड बहुत है, तो हुडी ला ली और हुडी पहनते। कॉम्प्रोमाइज नहीं, भले साइकिल चला के गर्मी आ जाए पर स्टार्टिंग में कॉम्प्रोमाइज नहीं। तो वैसे अच्छा लग रहा है, हुडी में अच्छा लगता हूँ। तो गाइस, अभी हम लोग लगभग 10 किलोमीटर का रन कंप्लीट कर चुके हैं। एक मिनट, वॉइस और थोड़ी ज़्यादा अच्छी आएंगी, प्रशांत बरबर भी आ सकती है। तो 10 मिनट का, 10 किलोमीटर का हम कंप्लीट कर चुके हैं। अभी हम लोग रेवले क्रॉसिंग के पास, वैसे सीधे जा सकते हैं, फिर बात की है वो देखना है। एक्चुअल बात बताऊँ तो, क्योंकि यहाँ ग्रीन सिग्नल है, मतलब ट्रेन आने पे है, ग्रीन सिग्नल आपको क्लियरली देखा है। तो मैं तो ये ट्रेन देख के जाऊंगा अभी, तो फिलहाल थोड़ा सा रेस्ट भी हो जाएगा। 10 किलोमीटर से आया हूँ और बीच में मेरा साइकिलिंग मीटर भी बंद हो गया था, तो जैसे ही मैंने ओपन करके देखा कि अब कंप्लीट हो गया होगा 6-7 किलोमीटर का, बट ऐसा हुआ नहीं था। और ट्रेन की आवाज़ आ रही है, सही हो गया, देखते हैं उसका भी छोटा सा सिनेमेटिक ब्लॉग बनाएंगे। ऐसा इतना तो मुझे किसी ने नहीं तड़पाया जितना मुझे ट्रेन तड़पा रही है। आ जा आई गई ट्रेन, आवाज़ तो आ रही है। और एक और चीज़ ये है यार, इस पर रस्टिंग हो गई, इस पर हम थोड़ा सा प्राइमर मार के पहले तो पेंट स्ट्रिप लगा के पेंट रिमूव करेंगे, फिर करेंगे। बहुत टाइम बाद निकली है, 6-7 साल बाद साइकिल। इस चक्कर में थाइस भी दर्द हो रहा है। और हमारी ट्रेन भी आ चुकी है, एक्सप्रेस वे है ये तो। हमारी ट्रेन आ चुकी है, चलते हैं। तो गाइस, हमने अभी लगभग 11 किलोमीटर का राउंड पूरा कर लिया और कैमरा स्टेबल इसलिए पर साइकिल पर, साइकिल में थोड़ी सस्पेंशन होते हैं और बहुत प्यारा सा सनराइज देखने को मिलेगा यहाँ पे। हम पहुँच चुके, बट हमें यहाँ से वापस जाना है, मुझे नहीं लगता हम पहुँच पाऊँगा, बट फिर भी ट्राई करेंगे। और प्यारा सा सनराइज़ आप लोग देखते हैं, तो प्यारा लग रहा है। हम थोड़ा सा व्यूज़ लेंगे और फिर यहाँ से जाएंगे हर घर पहुँच के बताएंगे फिर हमारी हालत कैसी है। टोटल मैं बताऊंगा कि मैंने आज कितना कंप्लीट करी है। ओके, बहुत प्यारा लग रहा है, इधर भी डैम है और ये तो सनराइज़ हो रहा है, और बट यहाँ पर सनसेट बहुत प्यारा होता है जी, बताऊँ तो देखते हैं। फिलहाल तो वहीं पर फिलहाल हमें वो पहाड़ी दिख रही है, वहाँ से हमको कट लेना, मतलब वह पहाड़ी भी अभी दूर है, तो वहाँ से हम जाएंगे सीधे घर, क्योंकि मेरा घर पड़ता है थोड़ा सा ऊंचाई में, हिल्स वाले एरिया में। ठीक है, मतलब जैसे हर गले भोपाल में जाओ तो कटारा हिल्स और बहुत सारी हिल्स होती है ना, इसी प्रकार इसी टाइप के मेरे यहाँ इधर भी ऐसे हिल्स, पर हिल का नाम नहीं पता मुझे, एक हिल के पास, हिल के वहाँ पर है, जिस बिकॉज
ये बैतूल से आप जैसे आउट आने लगते हो, आप नीचे आते हो तो ईजी पड़ता है आपको बैतूल से बाहर निकलना, आप साइकिलिंग भी कर रहे हो। बट अब जब वापस सिटी के अंदर जाते हो तो बहुत सारे एरियाज़ हैं जो आपको ऐसे चढ़ाई करना पड़ेगा फिर जाना पड़ेगा। हाँ याद है, काला भट्टा पे रहता हूँ मैं, काली चट्टान, तो वहाँ पे बाय द वे व्यू बहुत प्यारा है। सामने को दिखा दूँ, चिड़िया बर्ड शो कर रही है। दिस इज़ नॉट लुकिंग क्लियर, बट थोड़ी सी ब्राइटनेस डाउन करके देखा था। और आपको जो पीछे सायरन का साउंड आ रहा है, ये इंडस्ट्रियल एरिया का शिफ्टिंग चेंज हो रहा है। मैं सच्चे बता रहा हूँ, पहला दिन इतना बेकार था, मतलब साइकिल चलाना भी नहीं हो रहा। फिलहाल हम पहुँच तो गए इतनी दूर से यहाँ तक कि अब यहाँ से हमको टर्न लेना है राइट, चढ़ाई है बस, अब उतार है, इजी तो पड़ेगा बट पैरों में अब ताकत नहीं। घर टाइम पे पहुँचूँगा कि नहीं पता, पर 4 घंटे पहुँचूँगा ये तो पता है। अच्छा मैं 30 किलोमीटर का राउंड नहीं लिया पहले दिन, मैं सोच रहा था कि गाँव ही पहुँच जाऊँ सीधे, बट अच्छा हुआ नहीं लिया, चलते आगे। गाइस हम लोग फिलहाल सिटी के अंदर पहुंच चुके हैं, तो गाइस फिलहाल हम लोग सिटी के अंदर पहुंच चुके हैं और बहुत ईमानदारी से बता रहा हूँ, पहले दिन इतना चल लिया ना, बहुत ज़्यादा पैर दर्द हो रहा है। मतलब एक दिन में भी इतना चलता हूँ ना तो भी पार्ट्स में चलता हूँ। फाइनली हम घर पहुंच चुके और मैं आपको दिखाता हूँ टोटली मैंने कितने किलोमीटर चला है। यहाँ पर एंड करते पहले पानी पीते, आपको मैं शो करता हूँ कि मैंने कितना चला है। मिलते हैं हम डे 2 में 75 डेज चैलेंज में, ओके। बट अभी रुको, अभी दिखाना है मेरे को तुमको कितना चलो, पानी पी के मैं तुमको दिखाता हूँ। तो फिलहाल मैंने 20 किलोमीटर ऑलमोस्ट कंप्लीट किया है, मतलब बीच में मेरा यहाँ से जब स्टार्ट किया था मैंने, तब मैंने स्टार्ट तो किया था बट मेरा बैकग्राउंड कंजेशन ऑफ था, मतलब बोल सकते हैं बैकग्राउंड में रिस्ट्रिक्ट था, तो इस वजह से मेरा यहाँ से साइकिलिंग बन नहीं हुआ। फिर मैंने रस्ते में जाता है तो उसको सेट किया, तो अगर आप जाने का और आने का दोनों मिला लो, मतलब वहाँ से वापस आने का मैंने किया है कंटिन्यू, वहाँ पे मेरे को पता चला कि ऐसा हुआ है, तो वहाँ से आने का हुआ मेरा 10 किलोमीटर और यहाँ से जाने का मेरा 10 किलोमीटर, तो ऑलमोस्ट मैंने 20 किलोमीटर्स कम्प्लीट किया है आज। और मैंने किया था 6:15 पे यहाँ से घर से, और अभी मैं आ रहा हूँ 7:30 को यहाँ पर, मतलब ऑलमोस्ट मैंने 1.15 आवर्स में कम्प्लीट किया है, जो कि अच्छा था। बहुत ज़्यादा एकदम गर्मी टाइप की हो रही है और इधर पूरा पसीना पसीना है, अभी भी मैंने फेस वॉश किया फिर भी अभी भी आ रहा है मुझे, पानी भी पी रहा हूँ। तो मेरा ये चैलेंज कंप्लीट होने में आप मदद करो, फैला दो यार वीडियो, 75 डेज में मैं पूरा एकदम मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स कम्प्लीट हो जाना चाहिए, और ये ज़िम्मेदारी आप लोगों की है, ठीक है, ताकि अच्छा एक मुझे मिले। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तो बाय बाय एंड टेक केयर।